हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल और मैं हूँ मयूरी। पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने डिस्कस किया था अबाउट कनाडा कंट्री एंड कनाडा कंट्री के लिए जो भी आपको डिटेल्स चाहिए थी वो हमने पूरी की थी, जैसे स्टूडेंट्स लाइफ, स्टूडेंट को कौन सी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, किस तरह की एग्जाम देनी है, IELTS में कितने बैंड आते हैं वगैरह की डिटेल्स हमने लास्ट वीडियो में आपको दी थी। तो फिर चलिए हम बात करते हैं आज की कंट्री जो हमने सिलेक्ट की है, यूके। यूके के अंदर आपको स्टडी करनी है तो आपके पास 10 टॉप मोस्ट प्लेसेस है जहाँ पे स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर इजी रहता है कॉलेजेस, वहाँ की कल्चर और वहाँ के एजुकेशन को जो भी सिलेक्ट करना होता है वो इजीली आपको मिल जाता है। तो जो 10 सिटीज़ है वो यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल लंदन, एडिनबर्ग, मैनचेस्टर, ग्लासगो, कॉन्वेंटरी, नॉटिंगहम, बर्मिंगहम, एबरडीन, न्यूकैसल अपन टाइन एंड ब्रिंगटन। ये इतने सारे प्लेसेस है वहाँ पे स्टूडेंट इजीली कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी मिल जाती है। उसके बाद चलो हम बात करते हैं कि आपको लगता होगा कि हम इंडिया को छोड़ के यूके जा रहे हैं तो हमारे पास वहाँ के कॉस्ट किस तरह के होते हैं। तो इंडिया से यूके 70.7% ज़्यादा कॉस्टली है, बट वहाँ पे स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी है। जैसे लंदन आप सिलेक्ट करते हो और लंदन के कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करते हो तो लंदन की कॉलेज में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे कोर्सेज भी मिल जाएंगे और उसके साथ वहाँ पे लंदन में 9 मिलियन लोकैलिटी है, पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे आपके पास जॉब मिलने के चांसेस तो है बट उसमें भी आपके पास काफ़ी कंपटीशन रहेगी। मीनवाइल आपको अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि वहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट करने का मेन आपको क्या बेनिफिट रहता है। तो ज़्यादातर आपको वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा मिल जाता है। दूसरा, आपको काउंटलेस स्टडी के ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको कौन कौन से कोर्स में किस तरह से जाना है, कौन सा कोर्स आपके लिए इजी हो जाएगा, आपके करियर की फर्दर प्रोसेस के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज में इजीली आप सिलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद रहता है आपको वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन मिल जाएगा कि किस आप जो इंडिया में पढ़ते हो उसके अलावा वहाँ पे आपको काफ़ी नए तरीके से एजुकेशन के सिस्टम जानने को मिलेगी। वहाँ की एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो पढ़ाई किस तरह की करती है वो काफ़ी केस स्टडी बेस्ड भी करते हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे और भी चेंज मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास जब स्टूडेंट वहाँ पे जाते हो तो आपके पास स्टूडेंट के लिए भी वहाँ पे काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे कि छोटी मोटी जॉब्स आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो व्हाइल यू आर स्टडिंग इन यूके। एंड उसके बाद आपको रेलेवेंट प्रैक्टिस भी मिल जाती है कि जैसे आप स्टूडेंट होते हो तो वहाँ पे जॉब के साथ काफ़ी स्टडीज़ आपकी चलती है, तो स्टडीज़ के साथ साथ आप बहुत सारे मॉड्यूल्स में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और जॉब के साथ आपका एजुकेशन और जॉब दोनों की प्रैक्टिस पैरेलल ही रहेगी, तो आपका एजुकेशन और भी अच्छा रहेगा और आपको करियर में भी पाथ आपको जो आगे सिलेक्ट करना है वो भी इजीली यूके में आपके लिए मिल जाएगा। वहाँ पे आप जॉब करते हो तो आपको लगेगा कि आपको वहाँ पे जॉब में क्या मिलेगा, जैसे इंडिया में भी काफ़ी सारा होता है कि मंथली सैलरी वगैरह मिलती है, तो यूके में आप जॉब करोगे तो आपको वहाँ पर आर के हिसाब से आपको मिलता है, आपका जो भी पे आउट होता है, पे चेक आप जो भी बोलते हो, वहाँ पे मिनिमम मिलता है पर स्टूडेंट को जॉब करने के लिए 1 आर के मिनिमम £13 मिलते हैं। चलो फिर हम आज आगे बात करते हैं कि यूके के अंदर आपको एडमिशन्स लेने के लिए कॉलेज फीस कितनी होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि हमें इंडिया के बाहर जाना है पढ़ने के लिए तो कौन सी कंट्री में कौन सा फीस स्ट्रक्चर रहता है ताकि हमको कॉलेज सिलेक्शन और कंट्री माइग्रेट करने में भी ईजी हो जाए। तो ज़्यादातर ट्यूशन फीस आपकी मिनिमम रहती है 7 लाख से लेके मैक्सिमम 27 लाख तक रहती है। तो आपको और इक्वेशन होगा कि चलो फीस का तो हमें आपने आइडिया दे दिया, तो उसके बाद वहाँ पे जो बैलेंस दिखाना होता है वो कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम फीस तो भर देते हैं लेकिन अगला जो भी उनका प्रोसेस रहता है वो आपको बैलेंस दिखाना होता है। तो बैलेंस की मिनिमम अमाउंट रहती है 90,000 पर मंथ जो आपके अकाउंट में स्टेडी रहनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन तुरंत ही हो जाएगा कि भाई चलो आपने फीस के बारे में बता दिया, उसके बाद आपने बैलेंस के बारे में बता दिया, तो व्हाट अबाउट द चीपेस्ट कॉलेज इन यूके, कि कौन कौन सी कॉलेज जो हम इजीली सिलेक्ट कर पाते हैं उसकी फीस भी हमको अच्छे से सेट हो जाती है और वहाँ जाना भी हमारे लिए और इजी हो जाता है। तो कॉलेज का लिस्ट ये रहा, सबसे पहले है स्टाफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, दूसरी है टीसाइड यूनिवर्सिटी, लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कुम्बरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉल्टन, कॉन्वेंटरी यूनिवर्सिटी एंड यॉर्क सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी। ये सारी कॉलेजेस और इसके बाद भी मैनी कॉलेजेस ऐसी है वहाँ पे आपको बहुत चीप फीस स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा।
ताकि आपका जो बजट होता है यूके सिलेक्ट करने के बाद की आपका फी स्ट्रक्चर सेट हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो भी आपका जो बैलेंस दिखाना है वो सारी चीज़ें सेट हो जाती है आपके बकेट में, तो ये लिस्ट वाली कॉलेजेस आप इजीली सिलेक्ट करते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। और हाँ, आप उसके बाद आप खुद भी कॉलेजेस के बारे में काफ़ी रिसर्च कर सकते हो गूगल के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि काफ़ी कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप देती है, तो स्कॉलरशिप के लिए यूके में कॉलेजेस है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, किंग्स कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ये सारी कॉलेजेस है जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो स्कॉलरशिप का तो मैंने बता दिया, फिर आप बोलेंगे कि स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया क्या है। तो स्कॉलरशिप के लिए अगर जब आप अप्लाई करते हो तो आपके पास CGPA होना चाहिए। CGPA यानी आपके 4 यानी 75% आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी 4 में से आपके 3 CGPA होने चाहिए, ताकि आप इजीली वहां पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपकी एप्लीकेशन भी एलिजिबल हो सकती है। अब ये तो आपको कॉलेजेस के बारे में पता चल गया, फीस के बारे में पता चल गया। उसके बाद आप पूछोगे कि मुझे एडमिशन लेना है, साल में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। यूके जाने के लिए आपको 2 इंटेक मिलती है। सबसे पहली इंटेक रहती है आपको कॉलेज के अंदर अप्लाई करने के लिए, जनवरी फरवरी में दे सकते हो, और दूसरी इंटेक आपकी रहती है सितंबर अक्टूबर के लिए। तो ये दोनों इंटेक में आप जब भी अप्लाई करना है, तो ये दोनों इंटेक के बीच में आपके पास 6 मंथ का टाइमिंग रहता है। इन बिटवीन आप आपकी सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आपकी सारी प्रिपरेशन हो गई, आपके पास जाने के लिए आपने जो भी डिटेलिंग्स चाहिए थी, लाइक कॉलेजेस कौन सी लेनी थी, फ्री स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या बैलेंस दिखाना है, चीपेस्ट यूनिवर्सिटी क्या रहेगी, कौन सी आपको सिलेक्ट करनी रहेगी, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो कौन कौन सी कॉलेजेस में आपकी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी, और आपके जो भी क्राइटेरियाज होते हैं CGPA जो 4 में से आपको 3 यानी 75% मार्क्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तो हो गई। उसके बाद आप बोलते हो कि चलो हमने वहाँ सिलेक्ट भी कर दिया, हमारी स्टडी भी हो गई, उसके बाद वॉट अबाउट दी PR का कैसे प्रोसीजर होता है? तो PR के लिए आपको ज़्यादातर टाइम लगेगा उसमें, बिकॉज ऑफ ये लेंथी प्रोसेस है। तो यूके में मिनिमम आपको 5 ईयर तो लगेगा PR के लिए, और वो भी इस तरह का लगेगा कि आप कौन सी प्रोसीजर फॉलो करते हो, कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से आप PR के लिए अप्लाई करते हो, उस हिसाब से आपके PR की फाइल प्रोसेस में जाएगी। तो आपको सारे डिटेल्स तो हमने दे दी यूके के बारे में, जैसे कि आपकी जो भी क्वेश्चंस होते काफ़ी सारे हमने कवर कर दिए। पर अगर आपको लगता है कि और भी आपको यूके के बारे में जानना है, कि वहाँ की और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम ये वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, तो आपको कोई भी और डिटेल्स हमारे साथ जाननी है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर के बेस पर अच्छे वीडियोज़ भी बना सके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।